एवरी एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूशन कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉर एसएससी क्लास टेन एज यूजुअल बच्चों हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम के तीन सेशन खत्म कर दिए हैं एंड हम लोग सारे चीजें कर दिए है बच्चा तो पाइथागोरस थ्योरम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था मतलब ये टॉपिक बट एक छोटा सा टॉपिक रह गया ये टॉपिक बच्चों बहुत ही सिंपल है एंड एक छोटा सा टॉपिक है तो ये वीडियो ज्यादा लंबा जाने नहीं वाला है में सिर्फ हम लोग दो ही क्वेश्चन कवर करने वाले एंड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कवर करने वाले ऐसा क्या टॉपिक कवर करने वाले हो सर ऐसा आप लोग के मन में सवाल उठता होगा अभी यस yes, बच्चा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है

यहां पे ना बच्चों हम लोग आज कन्वर्स करने वाले बट कन्वर्स स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से थ्योरम क्या होता है समझा देता हूं बच्चों एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या थ्योरम क्या बोलता था बच्चा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स स्टेटमेंट बड़ा है बट आपको पता है पाइथागोरस तो थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस तो थ्योरम यह बोलता है कि बच्चों आपके सामने अगर पाइथागोरस तो थ्योरम अप्लाई करना हो तो आपके सामने ना बच्चा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए मतलब अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो ही जाकर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो मतलब इफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है आपका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तब जाकर आप बोल सकते हो बच्चों कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ दाइपोटेन एसी स्क्वायर दैट बिकम्स द स्क्वायर का करने का बाकी सारे साइड का एंड उसका एडिशन करना मतलब एडिशन ऑफ द या फिर सम ऑफ द स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर ये था -तो थ्योरम। ये तो हमें सब लोग को आता है मैंने इसको दो मिनट में उड़ा दिया अब बच्चों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चों सब लोग को पता है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम हो हो कोई भी ऑलवेज द द ऑपोजिट ऑफ थ्योरम मतलब हम लोग को जो गिवन था वो अभी टू प्रूफ में जाएगा एंड वाइस वर्सा सिंपल थिंग तो यहाँ पे ना बच्चों इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑफ रिमेनिंग टू साइडल ट्राइंगल कुछ समझा तो नहीं बता बताना चाहता हूं बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के लिए प्री क्या था क्या इंपॉर्टेंट था बच्चा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल लिखा था इधर देखो बच्चों आप लोगों को कहीं पर मैंने जिक्र नहीं किया राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने बोला इन अ ट्रायंगल मतलब सामने दिया हुआ कोई तो एक ट्रायंगल है आप दिख रहा है बच्चा यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल जरूर आपको लग रहा होगा वो बट मैंने वहां पे कहीं पे भी परपेंडिकुलर नहीं दिखाया है तो बच्चा ये कोई भी ट्राइंगल है मुझे पता नहीं है ये राइट एंगल ट्राइंगल लेकिन ओके तो इन ट्राइंगल बच्चा अगर मैं कोई तो एक साइड लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी अगर कोई भी एक साइड लेता हूं इफ एसी स्क्वायर कोई तो एक साइड है वो ना बच्चों बाकी के दो साइड के स्क्वायर का एडिशन का इक्वल हो जाता है मतलब एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अगर ये हो जाता है तब जाकर मैं बोलूंगा बच्चा कि ट्राइंगल एबीसी द राइट एंगल ट्रायंगल मतलब या फिर इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं एंगल एबीसी जो है वो नाइनटी डिग्री हो जाएगा एंड यहां पर मैंने वो ऐसा कर दिया अब जाकर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया समझा बच्चा मतलब पहले ही अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है एंड हम उसमें बोलते हैं कि हाइपोटिन टू द सम ऑफ द ऑफ द रिमेनिंग टू साइड तो वो पाइथागोरस थ्योरम बट बच्चा अगर कोई तो एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स अगर पहले मिलता है उसके वजह से मैंने प्रूफ किया कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हो जाता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बहुत इजी लगता है सब लोग को बहुत बोलते तो यार ये क्या है ऐसा चिंतित तो है उल्टा ही तो करना है क्या है बट फिर भी बोलना चाहता हूं बच्चों प्लीज डोंट रिग्रेट मत होना रिग्रेट मत करना बाद में ऐसे चीजों में जो काफी आसान होते हैं बट आप वहां पे सिली मिस्टेक करके आते हो एंड दैट इज द मेन रीजन दिस सेशन ओके सबको समझ में आ गया बच्चा यहाँ पे अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा एंड वन मोर थिंग बच्चा एंगल एबीसी को ही मैंने नाइन्टी डिग्री क्यों बोला एंगल एबीसी ही क्यों 90 डिग्री बिकॉज हमने बचपन से सुना है बच्चा बचपन से सीखा है कि हमेशा 90 डिग्री वही होता है जो हाइपोटेनि के ऑपोजिट हो एंड एसी हैपन्स टू बी सबसे बड़ा साइड तो वही था ना सबसे बड़ा साइड जो होता है ना यहाँ पे उसका ऑपोजिट साइड 90 डिग्री होगा बिकॉज वो हाइपोटेनस बनेगा तो उसका ऑपोजिट 90 डिग्री बनेगा ये वाला चीज हमें पता है अब मैंने ये क्यों बताया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा चलो प्रॉब्लम सेट नंबर टू का क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग सामने दिया है आपको उसमें क्वेश्चन नंबर टू है डू द साइड सेवन सेंटीमीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ट्वेंटी ट्राइंगल गिव रीजन सामने दिया हुआ एक ट्राइंगल है बच्चा उसका सेवन सेंटीमीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर का एक ट्रांगल क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्या ऐसा वो लोग पूछ रहे हैं हमें उन्होंने नहीं दिया कि राइट एंगल ट्राएंगल है वो हम लोग से पूछ रहे हैं कि क्या है राइट एंगल ट्रैंगल बनेगा क्या ऐसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं बच्चा मोस्टली हम ट्रिपलेट वाला ही फंडामेंटल को यूज करते हैं सबसे बड़ा साइड हम लोग यहाँ पे लेते हैं जो की ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी का स्क्वायर निकालते हैं 25. 25 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा बच्चा 625 मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क करना है तो कर सकते हैं मैंने बाजी में रखा फिर ना बच्चे मैं यहाँ पे बाकी के दो साइड ले लिए एंड वो है सेवन का स्क्वायर और ट्वेंटी फोर का स्क्वायर एंड मैंने इन दोनों को ऐड किया सेवन का स्क्वायर बनता है फोर्टी नाइन ट्वेंटी फोर का स्क्वायर बनता है फाइव सेवेंटी सिक्स फोर्टी नाइन और फाइव सेवनटी सिक्स का एडिशन करोगे तो मुझे यहाँ पे सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव भी मिला मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर भी वही मिल रहा है एंड सेवन का स्क्वायर और ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर का एडिशन भी वही मिल रहा है मतलब मैं यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंच सकता हूँ कि ट्वेंटी फाइव का जो स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू सेवन का स्क्वायर और ट्वेंटी फोर का स्क्वायर हो रहा है ना बच्चों एब्सोल्युटली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि वन ऑफ द साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड अगर ये होता है तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बट बट यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलोगे बच्चों इस पर्टिकुलर चीज को आप बोलोगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड दैट इज द मेन रीजन टू राइट ओवर हियर यही चीज को बताने के लिए मैंने ये छोटा सा सेशन लिया है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि कहां पे पाइथागोरस थ्योरम लिखना एंड कहां पे पाइथोग क्लियर है लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों सेशन बहुत ही छोटा है अच्छा प्रॉब्लम सेट का सेकंड क्वेश्चन लेंगे बच्चों यहां पे सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड यहां पे क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 इन ट्रायंगल पीक्यूआर

कॉमन सेंस कौन सा बड़ा है बच्चा यहाँ पे रूट एट रूट एट किसका वैल्यू है PQ का तो मैंने पीक्यू स्क्वायर निकाल पी क्यूर टू रूट एट का स्क्वा रूट एट का स्क्वायर क्या होता है 64 मत बोलना बच्चों कुछ बच्चे रूट सिक्सटी फोर बोलते हैं रूट सिक्सटी फोर राइट है बट रूट सिक्सटी फोर का अगर आप लोग निकालोगे रूट ऑफ सिक्स तो आपको एट ही मिलना है नहीं तो इसका शॉर्टकट भी कर सकते हो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट आपको एट मिल जाएगा सिंपल है चलो पी क्यू का स्क्वायर मिल गया अब बाकी के दो जो वैल्यूज है, है तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर निकालूंगा एंड यहाँ पे पी आर का स्क्वायर निकालूंगा क्यू आर का स्क्वायर होता है रूट फाइव का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर होता है रूट थ्री का स्क्वायर अब रूट फाइव का स्क्वायर होता है फाइव बचो सिंपल एंड रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री सिंपल और थ्री का एडिशन करूंगा तो एट मिलेगा इक्वेशन नंबर टू मार्क कर दिया यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों इक्वेशन नंबर में आपका बच्चे का स्क्वायर आपको 8 मिला, आपको मिला एंड इक्वेशन नंबर में बाकी का दोनों का दोनों एडिशन भी एट ही मिला तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर यस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू आई कैन से दैट वन ऑफ द साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स राइट अगर यह होता है बच्चों यहां पे तो क्या यह सामने दिया हुआ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यस बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल तो उनका सबसे पहला सवाल जो था एक मार्क के लिए कि क्या ये सामने ट्राइंगल जो दिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या मैंने इसका जवाब दे दिया हाँ बच्चो ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बट इनका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे रीजन लिखना ना बोले बच्चा पहला सबसे पहले रीजन लिखना ना ऑफ पाइथागोरस थ्योरम उसी के लिए तो सेशन रखा था आज का कन्वर्स लिखना ना बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद ना बच्चों पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो जाके ये लोग ने बोला है हम लोग को कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा बच्चों जरा ध्यान से सुनो आप चाहो तो डायग्राम विजुअली बना सकते हो अपने दिमाग में या फिर लिख सकते हो कहीं तो आप देख सकते हो बच्चा ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू जो है ना पी क्यू वो हाइपोटेनियस है अगर आपका पी क्यू हाइपोटेनियस बन जाता है तो उसका ऑपोजिट एंगल कौन बचा राइट ना एब्सोल्युटली चलो यहां पे बता देता हूं बच्चों हियर इज द हाइपोटेनस ऑफ मुझे कैसे पता चला मैंने लिखा द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो तो वो वहां पे हाइपोटेनस बन गया अगर आपका पी क्यू हाइपोटेनियस बन जाता है तो पी इधर है क्यू इधर है एंड ये हाइपोटेनस बन रहा है तो ऑपोजिट वर्टेक्स जो बनता है सिर्फ एक ही एंगल बचा है कौन है वो हु इज द वर्टेक्स ना एब्सोल्युटली बच्चा देयर फॉर एंगल आर इज ऑफ 90 डिग्री एंड यहाँ पे लिख सकता है बच्चों रीजन एंगल ऑपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अ राइट एंगल तो यहां पे मुझे राइट एंगल इसीलिए मिला आर बिकॉज वो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट था पी के ऑपोजिट था एंड दिस इज हाउ यू हैव सॉल्वड अ टू मार्क क्वेश्चन एज वेल चाहो तो एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम भी बना सकते थे इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट आशा करता हूं बच्चों आज का सेशन भी आपको समझ में आ चुका है एक छोटा सा सेशन बच्चों आपको क्विक रिवीजन करने के लिए ऑफ द कन्वर्स ऑफ पाइथ थियरम मिलते बच्चों नेक्स्ट सेशन में डू टे केयर ऑफ येल्फ लोवी ऑल थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर